हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये है 18 तारीख की कक्षा पांचवी के बच्चों के लिए, क्रम संख्या 147। बच्चे यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत को ध्यान से पढ़ लिया होगा, साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्य पत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। पहला, ये है दांत। तो दांत के लिए विशेषण शब्द क्या हो सकते हैं? सफेद दांत, चमकदार दांत। दूसरा, ये क्या है? ये है मम्मी। ठीक है, तो ये अम्मी के लिए क्या लिख सकते हैं? समझदार और प्यारी अम्मी। फिर ये आपा, आपा सुंदर आपा और लंबी आपा। फिर ये कपड़े, तो ये टी शर्ट कैसी है? लाल और नई। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों के नीचे सही जगह पर नुक्ता लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में दोबारा लिखिए। तो पहला है रजिया, तो ज के नीचे आएगा। फर्ज, फर्ज में फ के नीचे भी आएगा। थोड़ा सा मैं आपको और डार्क करके दिखाती हूँ। फ के नीचे भी आएगा, ज के नीचे भी आएगा, और यहाँ ज के नीचे रजिया। फर्ज, आवाज ज के नीचे। फौरन, तो फौरन में फ के नीचे फौरन। जरूरत ज के नीचे। गजल, ग के भी आएगा और ज के भी आएगा, गजल। अगला, पाठ के आधार पर आरिफ के अब्बा के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए और इन पंक्तियों में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। तो ये है आरिफ के अब्बा, उनके बारे में कुछ हमने शब्द लिखने हैं, कुछ पंक्तियां लिखनी है और उन पंक्तियों में जो विशेषण शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। आरिफ के अब्बा बहुत अच्छे व समझदार इंसान थे, तो विशेषण हो गया अच्छे और समझदार। फिर है, अब्बा ने मैले कपड़े पहने थे। कैसे कपड़े पहने थे? मैले। अब्बा ने आरिफ को एक दिन की बादशाहत दी। अगला, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत क्यों मांगी? तो सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत इसलिए मांगी क्योंकि सब उन पर हुकूम चलाते थे, तो वे उन्हें एहसास कराना चाहते थे कि उन्हें कैसे महसूस होता है। तो कैसे नहीं, कैसा होगा यहाँ पे, उन्हें कैसा महसूस होता है। सब उन पर हुकूम चलाते थे, तो वो सबको बताना चाहते थे कि उनको कैसा फील होता है जब सब उन पर हुकूम चलाते हैं। अगला, बच्चों को एक दिन की बादशाह मिलने का क्या फायदा हुआ? बच्चों को एक दिन की बादशाहत मिलने का यह फायदा हुआ, क्या की जगह लिखेंगे यह फायदा हुआ कि सभी घर के लोग बच्चों की परेशानी से अवगत हुए और उन्होंने उन पर पहले की तरह हुकूम चलाना बंद कर दिया, पूर्ण विराम। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे पहले वाले में? सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत इसलिए मांगी, क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए मांगी, क्योंकि सब उन पर हुकुम चलाते थे, तो वे उन्हें एहसास कराना चाहते थे कि उन्हें कैसा महसूस होता है। अगला, अगर आपको भी आरिफ की तरह एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो आप राजा बनकर क्या क्या करना पसंद करेंगे? अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर एक दिन के लिए आपको राजा बना दिया जाए तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? सब बच्चों के उत्तर अलग होंगे, सबकी अपनी अपनी पसंद होगी, इसलिए मैं ये उत्तर नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपको जो पसंद है आप वो लिखेंगे। अब नोट है,
नुक्ते वाले शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 5 और विशेषण शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए पृष्ठ संख्या 91 को पढ़िए और उसमें दिए गए कार्य को कीजिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव, इससे पहले बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट मिस ना हो। आज की वर्कशीट थोड़ी देर में आई है पर कल से सारी वर्कशीट टाइम पे आएंगी। बच्चों से बात कीजिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार मिलने के बाद हमें हमेशा अपने अधिकारों के प्रयोग के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए अपितु अपने कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। और कोविड से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों।